आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसकी वोटिंग 11 तारीख को होनी है, उसी सिलसिले में हम बात करने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी ने डिसाइड किया है कि जो गौतम बुद्ध नगर से गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री सतवीर नागर जी को, उनको समर्थन दिया जाए। इसी को लेकर के आज हम आपके बीच आए हुए हैं और इस पत्रकार वार्ता के दौरान हम यही कहना चाहते हैं हमारे पूरे समर्थकों से और पूरे गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा के जितने भी वोटर हैं उनसे, कि भाजपा को हराने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, हम उनकी अपील करते हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह जी, उन्होंने पूरा इंडिकेट कर दिया है कि हम गठबंधन को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए भी हुए। आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है तो वजह क्या रही गठबंधन की? देखिए, हमारी पूरी रणनीति बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा हराने का पूरा हमारा प्रयास है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसको हराना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमें भारत में लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। इसी सीट का गठबंधन है, पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन है? हम पूरे देश में शामिल हो रहे हैं? नहीं, शामिल नहीं हो रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम पूरे देश में, आप मेरी बात ध्यान सुन लीजिए, पूरे देश में जहाँ भाजपा से कैंडिडेट हरा सकता है, हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में तो आपका गठबंधन हो नहीं रहा है, पूरी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? क्या चीज़? दिल्ली में तो अभी तक आपका गठबंधन हो नहीं पाया है, नहीं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? वो तो देखो, दिल्ली में अभी 12 मई को चुनाव होने हैं, तब तक हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं आपका प्रत्याशी जो है उसका कैंसिल हो, उसके बाद ऐसा कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा प्रत्याशी एक ही जगह से कैंसिल हुआ है ना, हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। विरोध में खड़े हुए थे तो हम विरोध कर ही रहे थे। अगर हमारा प्रत्याशी खड़ा होता तो हम उसको हराने के लिए सारे प्रयास करते हैं, लेकिन जब प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल कर दिया गया तो भाजपा को हराने के लिए करते हैं। नहीं नहीं, हमारी बात समझिए, अगर हमें रालोद को समर्थन करना पड़ेगा भाजपा से, हम उनको भी समर्थन करेंगे। इसलिए कोई गठबंधन से और जी कैंडिडेट आपके हर जगह खड़े हैं, जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान उतरे हुए हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा? क्योंकि जनता तो पहले मैं गठबंधन का साथ दें या फिर आपके कैंडिडेट का साथ? पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम गठबंधन के पार्ट नहीं है, हम गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपके प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका क्या होगा? उनका वो होगा जिस जगह से जहाँ प्रत्याशी है, वो अपनी मजबूती से खुद को भाजपा को हराए, खुद को भाजपा को हराए। सर, आपकी बात मैं समझ रही हूं कि आप कह रहे हैं जिन सीटों पे आपके प्रत्याशी नहीं है, केवल उन्हीं सीटों पे आप गठबंधन? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सिकंदराबाद और पूजा जो एरियाज हैं और जो रूरल एरिया है, उसमें क्लियर कट सतवीर नागर जी की इस समय जो है उनका होल्ड बेहतर है, क्या वहाँ पे भी आप लोग जाके प्रचार करेंगे उनके लिए? जो सोसाइटीज है जहाँ पे महेश शर्मा जी का पलड़ा भारी है, वहाँ पे आप लोग? देखिए, हमारा पूरा फोकस वहाँ है जहाँ पर कि शहर एरिया है, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि ग्रामीण एरिया तक जाएं, तो हम शहर के सेक्टरों में, सोसाइटियों में विशेष तौर पे हम जा रहे हैं और वहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाजपा के द्वारा क्या किया गया है और भाजपा के अगेंस्ट वोट करें और सतवीर नागर को वोट करें। सबसे ज्यादा कैंपेनिंग हमारी चल रही है, सबसे ज्यादा मजबूत, लेकिन सतही तौर पे, मतलब सतही तौर पे पता नहीं चला, जमीनी तौर पे ये ऐसा नहीं कह सकते आप। ये आपका आकलन, ये आपका आकलन है, हमारे उनको चुनाव जीतना। ये अगर आपका प्रत्याशी कैंसिल नहीं होता उसका पहुंचा, तो हम खुद ही हरा देते। तब आप समर्थन में नहीं आते? क्यों समर्थन, जब हम खुद ही हरा देते समर्थन की बात? इसलिए आपका पर्चा कैंसिल होने के बाद आप इधर आ गए? नहीं नहीं, पर्चा कैंसिल तो एक अलग मैटर है और आज का समर्थन करना अलग मैटर, दोनों मिक्स मत करिए। 2014 चुनाव में केपीसी चुनाव लड़े थे आप, हमारी पार्टी चाहे जितनी मिली हो, आज 5 साल बाद बहुत चीज़ें बदल गई हैं।
बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। 2014 में तो सपा की सरकार थी, 2017 में भाजपा की हो गई, तो वो तो बदलती रहती है। आज भी छोटा सा सवाल है, इस समय सबसे ज़्यादा प्रत्याशियों की चिंता नोटा की है, विधानसभा की भी बात करें, लोकसभा की भी बात करें, चाहे पिछले उस लोकसभा की है, विधानसभा की है, सबसे ज़्यादा नोटा ने फर्क डाला है प्रत्याशियों में। इस बार प्रत्याशी आपके क्या ऐसा कर रहे हैं कि लोग नोटा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पिछले साल विधानसभा में 7,000 कम से कम नोटा पड़ी हैं, तो ऐसे में क्या आप कर रहे हैं? और यही हाल गाजियाबाद का भी है, वो चिंता करें भाजपा के लोग। सर नोटा तो आपके आप पे भी असर करेगा? नहीं, हमारा कैंडिडेट 48 डिग्री तापमान में खड़ा होकर वोट करेगा, जांच पड़ जाएगी इनको। मतलब नोटा का आप पे कोई असर नहीं? नहीं, नोटा हमारा कोई असर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर वोट लगे हुए बीजेपी की नो एंट्री है, जहाँ पर वहाँ पर सपोर्ट सीधा सीधा गठबंधन कैंडिडेट को है। गठबंधन कैंडिडेट हर तरह से मजबूत है। इसका जवाब पूरी बात कर दूं, जिनको नोटा दबाना था, जो बहिष्कार कर जा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार और यूपी की सरकार ने और यहाँ के सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो उनसे होकर नोटा की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। उन्होंने यह तय करा है कि हम नोटा की तरफ ना जाकर नोटा समाधान नहीं है, समाधान उनकी जगह दूसरा एमपी बनाना समाधान है, जिससे उनके जो समस्या उनका समाधान कर सके, वो अपनी समस्याओं का समाधान वो दूसरा एमपी बना करके गठबंधन का एमपी बना करके उसमें देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में जहां बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है, वहां पे मतदाता थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो अब हम चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आए, लेकिन महेश शर्मा में पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पास करने के लिए क्या? एक चीज और भी है मैडम, अभी आपने अध्ययन कर नहीं रहे हैं, आप जिले में लोकसभा का अच्छा अध्ययन नहीं करा है, आपको ये पता होना चाहिए ग्रामीण जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से ग्रामीण युवा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो गांव का बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी है, वो भी ये मान गया है कि जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, चिकित्सा के क्षेत्र में फेलियर, रोडों की बुरी हालत, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया बीजेपी ने। अंगूठा टेक व्यक्ति भी ये मानना आज की डेट में, पढ़ा लिखा तो मान ही रहा है क्योंकि वो देख रहा है टीवी पर, सोच रहा है, जो वादे किए थे उन पर एक पर भी खरे नहीं उतरे, इसलिए वो केवल टू केवल गठबंधन को मजबूत मान करना चाहता है और गठबंधन में ही वो अपनी भलाई देख रहा है कि गठबंधन की अगर सरकार बने, अगर गठबंधन मजबूत हो तो ही कुछ हो सकता है। जैसे कि बहन जी ने, अरे सुन लीजिए मैडम, बहन जी ने जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बताइए बीजेपी वालों से पूछना कि आपने 5 साल में केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं सांसद, उन्होंने या उनकी सरकार ने या यूपी सरकार ने क्या करा। उदाहरण के लिए बीएसपी की सरकार सपा की रही, उदाहरण के लिए स्कूल कॉलेज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, चिकित्सा के क्षेत्र में, जो आपके सबके सामने उन पर क्वेश्चन कीजिएगा और बताइएगा। सर चुनाव में काफी कम दिन रह गए, आप जो है गठबंधन के साथ आ गए, आखिर वजह क्या रही गठबंधन को सपोर्ट करने की? देखिए मैंने बहुत पहले कह दिया, जो भाजपा को हराएगा उसका सपोर्ट है, तो गठबंधन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ नहीं आए हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिताने के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाजपा को हराना है इस सीट से, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर आखिर जिस तरह से और भी कैंडिडेट आपके होंगे जो भी हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, इस गठबंधन से जो सपोर्ट आप कर रहे हैं, क्या उनको इस चीज़ का लॉस? नहीं, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हम लड़ रहे हैं वहाँ तो हराने के लिए हम खुद ही लड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ नहीं लड़ रहे हैं वहाँ भाजपा हारे, इसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर मेन मुद्दा ये रहा कि बीजेपी को हराना है? बिल्कुल 100% यही मुद्दा है, बीजेपी को हराना है। सर गठबंधन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा गांव में देखा जा रहा है, सेक्टर में देखा जाए तो उनको प्रत्याशियों के बारे में नहीं पता जनता को कि आखिरकार यहाँ का गठबंधन का प्रत्याशी कौन है, इसको लेकर आप कैसे सेक्टर को पकड़ेंगे? नहीं, इसके लिए हमारे जो है सोसाइटीज में पूरे एसोसिएशन है, सेक्टरों में एसोसिएशन है, जिन पर हम जा करके ये बता रहे हैं कि आप जो है गठबंधन को वोट करें और गठबंधन को क्यों वोट करें, भाजपा को क्यों वोट न करें, ये भी बता रहे हैं। आखिरकार ये आपने जो पहली बार किया है कि हाँ गठबंधन को सपोर्ट करके, कि आखिरकार हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं जो बसपा और सपा का गठबंधन, क्या अगर ये फेलियर हुआ तो क्या आगे भी ये गठबंधन जारी रहेगा? देखिए फेलियर और सक्सेस वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन हमारा प्रयास पूरा है कि वो फेलियर न हो, सक्सेस हो। पहले बसपा ने आपका गठबंधन किया और आप आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है,
आखिर वजह क्या रही, क्या माना जाए कि एक मोर्चा बन गया है बीजेपी को हटाने के लिए? अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ सभी लोग, सभी गौतम बुद्ध नगर के निवासी एक हो चुके हैं। आज इन्होंने जो उत्पीड़न करा जनता का, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, बेरोजगारी, इससे तंग आ करके सभी लोग एक एकजुट हो गए हैं। आप दौरा तो कर रहे होंगे कि आखिरकार सेक्टरों में भी जा रहे होंगे, गांव में, गांव में तो अच्छी पकड़ है गठबंधन की, सेक्टरों की अगर बात की जाए तो काफ़ी निराशा हासिल हो रही है आपको? कहीं भी हमें निराशा नहीं है। प्रत्याशी नाम नहीं जानता, जनता नाम नहीं जानती प्रत्याशी को, ये अलग बात है, हमारा जानती है। हमें 40 साल हो गए इस नोएडा में रहते हुए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमें ना जानता हो, हम उसे ना जानते हो। दूसरी बात अगर बात की जाए तो देखा गया है कि अधिकतर यहाँ ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, पर लेकिन सांसद का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या कैसे मनाएंगे उनको? वो तो उनसे पूछो, हमारा विरोध नहीं कर रहे, उनको कर रहे हैं ना, सांसद का विरोध कर रहे हैं, पर लेकिन वोट तो मोदी को दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि मोदी वोट मोदी को नहीं है, भाजपा को वोट नहीं है। जब एक चमकाने वाले वो आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा ना, नतीजे आएंगे, बहुत चमकते नतीजे आएंगे, आप अचंभे में रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, देखते रह जाएंगे।